अस्सलाम वालेकुम, आप सबको महागी किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली भिंडी। ये देखिए, मैंने 1 किलो के करीब भिंडी ली है। इसे धोकर काट कर मैंने थोड़ी देर के धूप में सूखने के लिए रख दिया था। ये देखिए, बिल्कुल भी हाथों पर पानी नहीं लग रहा, बिल्कुल ड्राई हुई हुई है, क्योंकि जो धूप में मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था। ये देखिए, हाथ मेरे बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल ड्राई हुई हुई है। इसमें भिंडियों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह धोकर थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दें, उसके बाद आप इसे काटें। इसमें जो चिपचिपापन है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने 1/2 किलो के करीब मैंने प्याज लिया है और 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं। इन टमाटरों को हमने किस तरह काटना है वो मैं आपको बताऊंगी। काटना सबको आता है, मगर इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ, कैसे मैंने भिंडियों में डालने के लिए टमाटरों को कैसे काटती हूँ। मैंने टमाटरों का अंदर से गुद्दा अलग निकालना होता है। ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगी बाद में कि मैं इसे कैसे काटूंगी और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि 1 लाइक आपका हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम मज़ीद इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएँ। ठीक है, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक देसी ली है, उसमें मैंने 2 से 2.5 करछियाँ, मेरे पास जो छोटी वाली करछी होती है मैंने वो भरकर 2 कुकिंग ऑयल की डाल दी है। आप इसमें 1/2 पाव के करीब कुकिंग ऑयल डालें, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं डालता, इसलिए हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। ज़्यादा डलता है क्योंकि ये मसाला कुकिंग ऑयल में ही बनता है, मतलब कि तेल में ही पकेगी, इसमें कोई पानी ऐड नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो 1/2 किलो प्याज था मैंने उसे बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काटा है कि इसका मसाला अच्छा सा बन जाए। ये देखिए, अब मैंने वो प्याज को इसे कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब इसको तब तक हमने भूनना है, मतलब कि तब तक इसे फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, जब बिल्कुल हल्का सा पिंक पिंक हो जाए, जब तक हम इसे प्याज को फ्राई करेंगे। उतनी देर में हम टमाटर काट लेते हैं। मैं आपको टमाटर बताती हूँ कैसे काटना है। ये देखिए, एक टमाटर लिए, इसे दरमियान में से मैंने काटना है, इसके 4 पीस कर लेने हैं। उसके बाद इसके दरमियान का जो पार्ट होता है ना, गुद्दे वाला, उसको ऐसे निकालना है कि इससे हमारा मसाला बनेगा। इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल घुल जाता है मसाला। या इसी तरह टमाटरों का छिलके अलग नहीं होते, जैसे छिलके अलग हो जाते हैं ना, गुद्दा सा घुल जाता है और छिलके अलग हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने अब ये हरी मिर्चें ली हैं 3 अदद, मैंने इसे दरमियान में चीरा लगा दिया है। इसको मैं डालूंगी दम में, जब मैंने दम लगाना होगा ना इसको भिंडियों को, तब मैं इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, प्याज हमारा बिल्कुल हल्का सा पिंक पिंक कलर का हो गया, कलर चेंज हो गया, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का हो गया है। अब इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर, जो 3 अदर के करीब हमारे पास टमाटर थे, अब वो इसके अंदर हम डालेंगे। अब टमाटरों को भी इसके अंदर डालकर 3 से 4 मिनट तक हम इसे टमाटरों को भी भुनेंगे, हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे भिंडी। ठीक है, ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद हम भिंडी डालेंगे। ये देखिए, जो भिंडी थी हमारे पास, अब वो हम इस वक्त इसके अंदर डाल देंगे। जब मैंने भिंडी डाल दिया, भिंडी को भी मैं 1 से 2 मिनट तक भुनूंगी इसी के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम मसालों की तरफ। इसके अंदर डाली है मैंने 1.5 चम्मच खाने वाली पीसी मिर्च की, 1/2 चौथाई चम्मच हल्दी है, पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच चाय वाली अदरक लहसुन का पाउडर है, 1/2 चाय की चम्मच, और ये पिसा हुआ गर्म मसाला, पिसा हुआ जीरा पाउडर, अजवैन और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। अजवैन मैंने बिल्कुल चुटकी डाली है, काली मिर्च भी चुटकी डाली है, और साथ में मैंने ये पिसा हुआ जीरा पाउडर भी चुटकी डाली है। ठीक है, अब इस सारे मसालों को मैं अब भिंडियों में डाल दूंगी। देखिए, भिंडियों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, अच्छा सा कलर है, ग्रीन ग्रीन कलर ही रहेगा भिंडियों का, इसका कलर चेंज नहीं होगा जैसा, क्योंकि पानी डालने से ये हमारी सब्जी काली हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ हल्का सा छिंडा पानी का दिया कि मसाला नीचे नहीं लगे, मसाले अच्छी तरह भुन जाए, मसाले में अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छी तरह भुनने के बाद, अब मेरे पास ये 2 हरी मिर्चों को मैंने वो जो चीरा लगा के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे, और 4 से 5 मिनट मैं इसको अच्छी तरह दम पर रखूँगी। दम पर रखने के बाद ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सा, ये हमारी भिंडी पक गई है, गल गई है, प्याज भी अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। फिर एक अदरक का टुकड़ा ले, मैंने उसको कद्दूकस करके इसके अंदर डाल दिया, और 3 से 4 मिनट मैं इसे दम पर रख दूँगी। ठीक है, लीजिए, हमारी मज़ेदार भिंडी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन इतनी मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, लाइक और शेयर कीजिए।